उधम सिंह नगर उत्तराखंड इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी मामले में आरोपी सुरेंद्र कोहली एवं मनिंद्र सिंह पधेर को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को बरी कर दिया। आपको बता दें, इससे पूर्व गाजियाबाद सीबीआई अदालत ने कोहली और पंडिर पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय करते हुए उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। आज उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद ने दोनों को बरी कर दिया। निठारी कांड में उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र के पिपलिया नंबर एक निवासी नंदलाल के पुत्री पायल की हत्या हुई थी। 2006 से नंदलाल इस मुकदमे को कोर्ट में लड़ते हुए आ रहे हैं अपनी बेटी पायल के लिए, लेकिन आज कोर्ट का फैसला सुनकर दोनों स्तब्ध हो गए। पति पत्नी कहने लगे, हमें मीडिया पर भरोसा है, पहले भी मीडिया ने हमारा साथ दिया, आगे भी मीडिया हमारे साथ खड़ी रहेगी। नंदलाल ने केस की सुनवाई के दौरान सीबीआई और वकीलों की गई बातों का भी जिक्र किया और कहा कि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। इसमें जो चूक हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन आगे भी अदालत से मेरा रिक्वेस्ट है कि दोबारा इस केस को देखें और सही फैसला करें ताकि मेरे दिल को भी शांति मिले और हर दुनिया देखता रहे कि हाँ, ये मुकदमा अब सही दिशा में आए। अब तो मेरे दिल को थोड़ा चैन मिल गया और इन लोगों को सजा ही हुई और मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया 350 सजा और 1000 रुपये जुर्माना, उसको भी इस केस से हटाया जाए, तभी मेरे दिल को चैन। ठीक है, ठीक। देखिए, ये जो मामला है, ये उस समय जो कांड हुआ था पूरे भारतवर्ष में ये चर्चित था, फैला हुआ था और पूरे भारत में यही नारा था कि अपराधियों को मृत्यु दंड होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको कोर्ट से बरी कर दिए, सुनने में आया है। आज अगर ऐसा दरिंदों को कोर्ट द्वारा छोड़ा जाता है तो कल को ये पनपने लग जाएंगे। ये जो दुष्कर्मी लोग हैं इनको ये पनपने लग जाएंगे और इन्हीं का सारे बोलबाला इन्हीं का चलेगा। और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि हमेशा अंत में सच्चाई की जीत होती है। तो एक बार पुनः मैं न्यायालय से निवेदन करूंगा, इसकी पुनः इसकी जांच की जाए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी जांच कराई जाए ताकि इस दरिंदों को फांसी पे लटकाया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।